नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में एसपी सिटी ऑफिस के बाहर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित सहारा इंडिया की 555 बीघा जमीन को सीज करने की मांग को लेकर स्वराज सेवा दल ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है और लगातार धरना भी दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि भू माफियाओं ने सहारा इंडिया की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए नक्शा पास कराया है और उसमें लोगों का पैसा भी निवेश कराया है, इसलिए इसमें शामिल सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जमीन को सीज किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि निवेशकों की शिकायत के बाद शासन के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। जो सहारा की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जिस पे कि ऑलरेडी डीएम साहब के द्वारा सेल आउट करने पे रोक लगाया गया है और एक आश्रम से जुड़ा हुआ इशू है और एक दो जो सामान्य आदमी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इशू है। तो आपके द्वारा जो इशू दिए गए हैं बहुत पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए इशू है, तो इसको बिल्कुल प्रायोरिटी पर लेके प्रॉपरली इसको चेक करके जो भी है एज पर लॉ उसमें कार्रवाई की जाए। मैं जो सहारा का लैंड है यहाँ पर 555 बीघा जमीन, तो उसी को लेकर इशू रेज किया गया है। बेस्ट थिंग ये वही चमोली जिले के नारायणबगड़ प्रखंड के ग्राम केवर तल्ला की बहू कर्नल गीता राणा नेगी ने पूर्वी लद्दाख में अग्रिम और दूरस्थ स्थान में एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली सैन्य महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर छाई हुई है। कर्नल गीता राणा नेगी की इस उपलब्धि पर उनके गांव केवर में खुशी का माहौल है। उनके परिवार से रिश्तेदार में ससुर और नारायणबगड़ के ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी, समाजसेवी डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी, ग्राम प्रधान पुष्पा देवी, विधायक प्रतिनिधि दिलीप सिंह नेगी ने कहा है कि गांव की बेटी की इस असाधारण उपलब्धि पर गाँव ही नहीं बल्कि पूरी देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने कर्नल गीता राणा नेगी को चीनी सीमा के नजदीक पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने के लिए बधाइयां दी हैं। बता दें कि अभी हाल ही में सेना ने महिला अधिकारियों को कमांडर की भूमिका देने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद कर्नल गीता राणा नेगी इस उपलब्धि को पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कर्नल गीता राणा नेगी वर्तमान में कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में कर्नल हैं। ग्रामवासियों ने उनकी इस कामयाबी पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाने की तैयारियां शुरू की है। इस खुशी में उनके गांव केवर में उनके परिजनों और ग्रामवासियों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद उनको बधाई देने के लिए एक समारोह आयोजित किया, जिसमें महिलाओं ने देशभक्ति की एक अलग ही मिसाल पेश की है। झुमेलो गाकर आपस में खुशी बांटी है, साथ ही साथ मिठाइयाँ भी एक दूसरे को खिलाई हैं। हमारी बहू गीता कर्नल बन गई है सेनानी सेवा में और हम सारे गांव वालों को सबने आपका स्वागत किया, सब यहां पर आई। बहुत धन्यवाद है आपके सेनाओं को भी, आपको भी अपने बॉर्डर पर अच्छी तरह अपनी नौकरी करे, और धन्यवाद है तुम जवानों के लिए भी, और बहुत हर्ष की बात है, सबको खुशी हो रखी है। अपने गांव की तरफ से, अपने गांव के बुजुर्गों की तरफ से, महिला मंगल की तरफ से, युवक मंगल दल एवं अपने जिला की तरफ से कर्नल गीता राणा को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। आज हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। हमारी लोग पहले तो सब बहुत खुश हैं कि जो भाभी है हमारी वो इतने बड़ी पद पर पहुँची हुई है, इससे सभी को एक प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारी बहू गीता राणा चीन के नज़दीक पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमांड करने वाली भारत सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है, और हमको बहुत प्रसन्नता है कि गीता राणा ने, कर्नल गीता राणा ने इतिहास रचा है और भारत की सेना की प्रथम महिला कमांड करने वाली बनी है।
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय विशेष शिविर जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल में शुरू हो गया है। जड़ी बूटी शोध संस्थान की प्रभारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी कोनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि और पुष्कर सिंह बिष्ट ग्राम प्रधान मंडल ने बतौर विशिष्ट अतिथि संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारम्भ किया। शुभारम्भ अवसर पर स्वयंसेवियों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गान की प्रस्तुति दी है। इस मौके पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी कुनियाल ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों को राष्ट्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण में राष्ट्रीय सेवा योजना की भूमिका के बारे में बताया है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आज का युवा ही सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकता है। विशिष्ट अतिथि ग्राम प्रधान मंडल पुष्कर सिंह बिष्ट ने कहा कि SSS द्वारा चलाए जा रहे सामूहिक मुद्दों जैसे कि नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साइबर अपराध, स्वच्छता अभियान, पौष्टिक आहार से ही समाज को जागरूक किया जा सकता है। देहरादून के रायवाला में सिलिंग भूमि से अतिक्रमण हटाने के बजाय कब्जेधारी के पक्ष में जमीन नापने आई ऋषिकेश तहसील टीम को ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप था कि तहसील टीम कब्जेधारी के दबाव में काम कर रही है और सिलिंग भूमि से अतिक्रमण हटाने के बजाय खुद सरकारी भूमि खुद बुर्द कराने में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक जमीन की नाप खोज नहीं होने दी। ग्राम प्रधान सागर गिरी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर नाप खोज हुई है और करीब 24 बीघा सिलिंग की राज्य की सरकारी भूमि पर एक आश्रम का अतिक्रमण और अवैध निर्माण पाया गया। तहसील प्रशासन इसको ध्वस्त करने के बजाय आसपास की अन्य प्रकार की भूमि से कब्जेदारी को देने जाने का प्रयास कर रहा है। जो भूमि को आश्रम के स्वामी ब्रह्मदेव उर्फ ब्रजभूषण की बताई जा रही है वो भी अपंजीकृत वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई थी और उच्च न्यायालय उसे पहले ही खारिज कर चुका है। ये सब जानते हुए भी तहसील प्रशासन आश्रम के पक्ष में जमीन की नाप खोज कर रहा है। उनका आरोप था कि ये खेल बड़े अधिकारियों की शह पर आश्रम के अतिक्रमण को समायोजित करने के लिए खेला जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी सौरभ असवाल ने ग्रामीणों से वार्ता की और जल्द अतिक्रमण हटाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी जमीन खुर्द-बुर्द नहीं होने दी जाएगी। हालांकि इस दौरान वो ग्राम प्रधान और मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दे पाए और 4 से 5 दिन में नतीजा सामने आने की बात कहकर वहां से चले गए। पहले कुछ टाइम पहले 6 महीने पहले मैं हाई कोर्ट गया था कि तहसील टीम ने हमारा वृद्धाश्रम रोका था, सरकारी काम रोका था। और अब वहाँ पे जब अतिक्रमण चिन्हित हुआ 799 में 24 बीघा एरोवली आश्रम का, जिसके शह से मालिक कहते हैं कि ब्रजभूषण शर्मा जी हैं, और अब तहसील टीम आज आई है और मैंने दोबारा PIL डाली थी कि अतिक्रमण हटाने के लिए, पर यहाँ पे 799 में ना जाके ये कुछ 800 या कुछ खसरों में घूम रही है और शायद से कुछ मिली भगत। क्या कर रहे हैं ये? हम ये रायवाला ग्राम पंचायत में आए हैं, तो यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट नैनी दल के आदेश हैं कि जो उसमें सीलिंग की भूमि है उसमें जो अतिक्रमण है उसको उसको उसका कब्जा हटाया जाए, एनक्रोचमेंट जो है उसको हटाया जाए। तो उसी के क्रम में उसी माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन के लिए हम वो कार्रवाई आज कर रहे हैं। पूरे जनपद में मुख्यमंत्री की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की घोषणा के बाद भी संबंधित विभाग अभी तक जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाया है, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि लोक निर्माण विभाग को 6 मार्च तक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, बावजूद इसके ठोस कार्य योजना तैयार नहीं हो पाई है। DM डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के सापेक्ष 480 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अभी तक 137 किलोमीटर तक सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। DM ने समीक्षा बैठक कर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंताओं और सभी उपजिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के कार्यों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाली इन सड़कों पर 100% गड्ढा मुक्त होना अनिवार्य है। कहा है कि लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। ऑनरेबल CM सर की प्राथमिकताओं में फैसले सड़कें हैं या गड्ढा मुक्त सड़कें दिया जाना है, उसी क्रम में
ऐसी पीडब्ल्यूडी और डिफरेंट एक्सीडेंट्स और एसडीएम्स के साथ में बैठक की गई और इसमें उन सड़कों को जिन पे त्वरित गति से कार्रवाई की जानी है उनका चयन भी किया गया और लगभग 480 किलोमीटर के टारगेट में से 137 किलोमीटर के टारगेट को जो अचीव किया गया तो उसकी भी मॉनिटरिंग। और अब खबर उत्तरकाशी से, जहां सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना ने भगेली गांव में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारतीय सेना यहां निवासरत लोगों के पशुओं के लिए भी चिकित्सा शिविर आयोजित कर चुकी है। भारतीय सेना युद्ध के साथ हर बार मानवीय सरोकारों के लिए आगे रहती है। जब हम पर कोई विदेशी ताकत आंखें उठाकर देखती हैं, तो ये सैनिक उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वही हमारी सेना दूधराज गांव भकेली के ग्राम सभा में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। वहीं सीव्यू ऑप्टिकल उत्तरकाशी द्वारा ग्रामीणों की निशुल्क नेत्र जांच की, जिससे कि वहां के बुजुर्ग काफी खुश नजर आए और प्रधान का आभार जताया। नितिन कुमार और उनकी टीम यहां पर लगभग 50 से ज्यादा नेत्र से संबंधित जांच की है और निशुल्क सेवाएं दी हैं। उन्होंने ग्राम प्रधान की पहल पर नेत्र रोगों से पीड़ित व्यक्ति जो नेत्र कमजोर होने पर चश्मे नहीं बना सकते, उन लोगों के लिए ग्राम प्रधान ने अच्छी पहल की है और सीव्यू ऑप्टिकल्स ने कुछ परसेंट की छूट भी दी है। साथ ही सेना के चिकित्सक लगातार जांच कर रहे हैं। क्षेत्र में सेना की इस पहल से क्षेत्रीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और वहीं अपने ग्राम प्रधान प्रवीण का धन्यवाद भी कर रहे हैं। ग्राम सभा में यहाँ पर शिविर लगाए, क्या कहने से? आज ग्राम सभा भंगेली में आज शिविर मातली डुंडा से आईटीबी एकत्रित हुए हुए हैं। आज सभी यहाँ कैंप 3 साल से, विगत वर्षों से आज 3 साल में यहाँ सिविल वाले आए। यहाँ पर बूढ़े जवान बच्चे सभी का दवाइयाँ दी जा रही है। आज मैं आईटीबी मातली वालों को हार्दिक Myself, Dr. Jayesh Soman and our medical team came here in behalf of 12th Battalion ITP Mathili to conduct civic action program sponsored by MHA. Under this campaign, we got 12 villages. Our main aim was to provide health checkup, provide medicines and create awareness among village border villages. The program became a huge success only because of our COSR Abhijit Samayar and our 2IC Nihal Singh Bhandari. कासगंज में दलितों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि होली के पर्व के दौरान रंग लगाने को लेकर विवाद हुआ था। सहावर पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के 2 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर पीड़ित परेशान है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। थाना सहावर क्षेत्र के इकबालगंज गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कासगंज की तस्वीरें, जहां पर होली के दिन रंग लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दलितों को जमकर मारपीट आई यहां पर की गई है, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये पूरा मामला सहावर क्षेत्र के इकबालगंज का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं की है। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू हुआ है। आज 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी आ रही हैं स्मृति ईरानी और करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात जल्द ही देंगी। इस दौरान वो मुख्यालय गौरीगंज कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों का जायजा भी ले सकती हैं। वहीं स्मृति ईरानी आम जनमानस के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगी। स्मृति ईरानी हाल ही में दिवंगत हुए लोगों के परिवारों से मिलकर शोक संवेदनाएं भी व्यक्त कर सकती हैं। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष और सपा विधायक के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रमों के बाद वरवधु को आशीर्वाद भी देंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और लोगों से मुलाकात भी कर सकती हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां अमेठी में कर ली गई हैं। जालौन में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, जालौन में एक निर्माणाधीन मकान की खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के और गहने निकलने का एक पूरा मामला है। चांदी के सिक्के निकलने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में
ग्रामीण इकट्ठा हो गए। इस बीच ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर एसडीएम सदर राजेश सिंह समेत जालौन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जिनकी मौजूदगी में देर रात तक खुदाई चलती रही। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि पूरा मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के व्यासपुरा गाँव का है, जहाँ के रहने वाले कमलेश कुशवाहा के निर्माणाधीन मकान में खुदाई का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान मौके से चांदी के सिक्के निकलने लगे, जिन्हें देख आसपास मौजूदा ग्रामीणों की आंखें खुली की खुली रह गईं। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर एसडीएम सदर समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। इनकी मौजूदगी में खुदाई भी कराई गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम इकट्ठा नजर आ रहा है, इस लिहाज से पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। क्या क्या निकला है और इस मकान से क्या है साहब? फिलहाल है जो कुछ भी तस्वीर निकले वो यहीं खड़े थे मकान पर, लेबर आते ही साहब पैसा पैसा सो लेबर ने उठाए वो आ गए और फिर जो है कहना घरों से आ गए। थाने से क्षेत्राधिकारी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि व्यासपुरा गांव में कुछ मकान बन रहा था, उसमें ड्रिल किया जा रहा था, उसमें कुछ सिक्के निकल रहे थे। फिर उसको तुरंत उसको कार्य रुकवा करके फिर पुलिस और रेवेन्यू टीम के द्वारा उसकी खुदाई कराई गई है। इसमें अनुमानित करीब 250 के आसपास सिक्के प्लस 4 कड़े प्राप्त हुए हैं और एक्चुअल फिगर थाने पर चल करके इसकी पुनः काउंटिंग कराई जाएगी। मथुरा के रामपुर गांव के मूल निवासी श्री हरीश सीआरपीएफ कमांडर ने देश भर में फैले समस्याग्रस्त दूरदराज के इलाकों में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में असम में तैनात हैं और हर साल की तरह इस बार भी वो समय निकालकर अपने गांव पहुंचे और भाईचारे का संदेश दिया। महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं की शिक्षा, वृद्धों का सम्मान विषयों पर भी निवासियों को जागरूक किया है। श्री हरीश छोटी उम्र से ही गांव से बाहर रहे, लेकिन उनके दिल में उनका गांव हमेशा जीवित रहा। वो लगातार गांव से जुड़े रहे हैं। अपनी शिक्षा दून स्कूल देहरादून और जेएनयू नई दिल्ली से की और उसके बाद कम उम्र में सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के लिए यूपीएससी द्वारा चुने गए। आज के टेक्नोलॉजी के और सोशल मीडिया के इस दौर में ग्रामीण इलाकों की जो ये रिवाज है, जिसे पूरे देश में ब्रज की लठमार होली के नाम से जानते हैं और ब्रजवासी से होरंगा के नाम से जानते हैं, जिसमें के भाभी देवर के जो संबंध हैं उसको बड़ी मधुरता से एक क्रीड़ा के रूप में दिखाया जाता है और जिसमें पूरे गांव का एक छोटे बच्चे से लेकर गाँव के सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग का भी सहभागिता रहती है। पूरा गांव एक होकर के इसका आनंद लेता है और आपस में मेल मिलाप और मेल जोल स्थापित होता है। तो आज के जो ये सोशल मीडिया के दौर में जब आदमी व्हाट्सएप इंटरनेट पे और टीवी के में ही लीन हो गया है, इस और आपसी संबंध जो है धूमिल होते जा रहे हैं, उनकी वरीयता दूसरे दर्जे पे आ रही है, तो ऐसे इस समय में इस लठमार होली का जो हमारा होरंगा का कार्यक्रम है इसकी प्रासंगिकता अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई है और इससे अब ये हमारा इस ग्रामीण ग्राम रामपुर का जो ये होरंगा है ये द्वारा रिवाइव हो रहा है। जो यहाँ के युवा हैं उन्होंने इसमें काफ़ी रुचि ली है और सबने इसको द्वारा से इसे पुनर्जीवित किया है। इसके लिए मैं पूरे गांव सभा का और सभी यहाँ के हमारे गाँव के निवासियों का, अपने जो भी मेरे सभी रिश्तेदार हैं, भाई भतीजा और मेरे चाचा ताऊ और दादा सभी हैं इस गांव के निवासी, तो सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पीलीभीत की पुरनपुर तहसील के थाना घुमचाई क्षेत्र में सेल्फी और रील्स का नशा आजकल युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में कई बार दिल को दहला देने वाले हादसे भी सामने आ रहे हैं। दरअसल घटना पुरनपुर घुंघाई गांव की है। बताया जा रहा है कि एक युवक का चेहरा आग का छल्ला बनाते हुए झुलस गया। करतब दिखाने वाले कैरोसिन मुंह में भरकर आग का छल्ला बनाते हैं।
देखा देखी तो ऊंचाई निवासी दीपक जोशी मुंह में पेट्रोल भरकर आग का छल्ला बनाने का स्टंट कर रहा था। वो इसकी रील्स भी बना रहा था ताकि उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर सके। दीपक ने अपने मुंह में पेट्रोल भरा और उसके बाद मुंह से आग का छल्ला बनाने की शुरुआत की। जैसे ही आग उगलने की कोशिश की तो आग ने उसके चेहरे को चपेट में ले लिया। पास में खड़े लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की पर उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद में थाने के बराबर चोरों का आतंक लगातार बरकरार है। सरेआम चोरों ने थाने के बगल से कई दुकानें में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। कैमरों की मदद से पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। लगातार चोरी की घटनाएं को ये अंजाम दे रहे हैं। पब्लिक और पुलिस रात भर परेशान है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद का ये पूरा मामला है। जालौन में नशे में धुत पीआरडी के जवान ने खाकी वर्दी की इज्जत को सरे राह तार तार कर दिया। मीडिया का कैमरा देख पीआरडी का जवान बोला कि बदबू तो आती है शराब में, लेकिन शराब की दुनिया पीती है और मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। वहीं कैमरा देख नशे में धुत पीआरडी जवान पूरी तरह से बौखला गया और मीडियाकर्मी का कैमरा भी छीनने लगा। नशे में धुत जवान बोला, क्यों खींच रहे हो मेरी फोटो, मेरा लड़का भी पत्रकार है। कुछ देर बाद बाइक लेकर वो रफू चक्कर हो गया, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दो दिवसीय दौरा है, लेकिन उससे पहले ही पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों ने जगह जगह पोस्टर लगाकर स्मृति ईरानी को घेरा है। पोस्टर में लिखा है, सिलेंडर वाली सांसद वापस जाओ, गैस के दाम पर काबू लाओ। संभल में ताउम्र शराब के शौकीन बुजुर्ग की अंत्येष्टि से अनोखी श्रद्धांजलि का मामला सामने आया है। अंत्येष्टि में परिजनों ने बुजुर्ग के मुख में शराब डालकर अंतिम श्रद्धांजलि दी है। होली पर शराब पीने के बाद ही बुजुर्ग की मौत हुई थी। हैरतअंगेज पूरा मामला सदर कोतवाली के मोहल्ला बरेली सराय का है, जहां 65 साल के बुजुर्ग गुलाब सिंह ने होली के दिन शराब पीकर वो कुर्सी पर बैठ गए। बैठे ही बैठे उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन उनके अंतिम संस्कार को शमशान घाट उनका पार्थिव शरीर लेकर पहुंचे, जहां उनके बेटे ने पंडित जी से पूछा कि उनके पिता की इच्छा थी कि अंतिम समय में उनके मुख में शराब डाली जाए। क्योंकि बात अंतिम इच्छा की थी तो पंडित जी ने भी हामी भर दी। अच्छा, अंतिम संस्कार में आपने क्या क्या प्रक्रिया की? जो सब प्रक्रिया जो करने की थी वो सब की, जो दारू भारू रूप पीते थे उनके दारू भारू सब जो था वो सब कुछ दिया। आपने गंगा जल भी पिलाया था? हाँ, गंगा जल पिलाया। संभल जिले में दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। मामूली बात को लेकर दोनों समुदाय के लोग जमकर लाठी डंडे चलाते रहे तो वहीं पथराव भी हुआ है, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं 22 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की बात की गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।